तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेंटन एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में हमें देखने को मिला था कि एल्विडो के पास अल्टीमेट्रिक्स थी, जिसकी मदद से एल्विडो ने बेंटन का सामना किया था अल्टीमेट ह्यूमंगस सोर बनके, और एल्विडो ने विलगेक्स की मदद की और विलगेक्स ने बेंटन से ओमनीट्रिक्स को हासिल कर लिया। लेकिन क्या आप लोगों में से किसी ने ये बात नोटिस की थी कि जब एल्विडो बेंटन के सामने आता है अल्टीमेट ह्यूमंगस सोर बनने के लिए, उस टाइम पे गाइस एल्विडो के पास अल्टीमेट्रिक्स नहीं बल्कि रेड कलर की ओमनीट्रिक्स थी। लेकिन अगर आपको अभी भी यकीन नहीं आया तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जब एल्विडो अल्टीमेट ह्यूमंगस सोर में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, उससे पहले उसे ह्यूमंगस सोर में ट्रांसफॉर्म होना था, और जैसे ही एल्विडो ने अपनी वॉच को ओपन किया तो वहाँ पे हमें देखने को मिला कि एल्विडो के हैंड में अल्टीमेट्रिक्स नहीं बल्कि रेड कलर की एक ओमनीट्रिक्स थी, और बेंटन एलियन फोर्स में जैसी ओमनीट्रिक्स बेन के पास थी सेम टू सेम एल्विडो ने वैसी ओमनीट्रिक्स पहनी हुई थी। लेकिन आप और मैं ये बात जानते हैं कि एल्विडो ने तो अल्टीमेट्रिक्स को कुछ इस तरह से तैयार किया था कि अल्टीमेट्रिक्स काफी ज्यादा बड़ी थी और उसका साइज ओमनीट्रिक्स के मुकाबले काफी ज्यादा बड़ा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एल्विडो ने ओमनीट्रिक्स का यूज करके अल्टीमेट ह्यूमंगस सोर में ट्रांसफॉर्म हो गया, इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आज के हमारे इस वीडियो को लाइक एम है 2K लाइक्स, और इस लाइक एम को भी कम्प्लीट कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। अब मैं आपको इसके रीजन के बारे में बता देता हूँ कि आखिर वहाँ पे एल्विडो के पास रेड कलर की ओमनीट्रिक्स क्यों थी। तो इसका जो रीजन है वो ये है कि गाइस कि बेंटन एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में जब एल्विडो ने ओमनीट्रिक्स को चुरा लिया था और उसने 70% तैयार अल्टीमेट्रिक्स को 100% तैयार किया था, जिसके बाद हमें देखने को मिला कि एल्विडो जो अल्टीमेट्रिक्स का यूज करके अल्टीमेट एलियंस में ट्रांसफॉर्म हो सकता था। लेकिन जब एल्विडो ने अल्टीमेट्रिक्स को कम्प्लीटली तैयार किया था तो वहाँ पे एल्विडो ने जो है अल्टीमेट्रिक्स के कवर को काफी बड़ा रखा था और उसके हैंड में वो कवर काफी ज्यादा बड़ा था। लेकिन बेन का सामना करने के लिए एल्विडो जब गुफा से बाहर आता है तो वहाँ पे उसके पास रेड कलर की ओमनीट्रिक्स थी। अब इसके सिंपल रीजन के बारे में अगर बात करें तो गाइज यहाँ पे ओमनीट्रिक्स ही है एल्विडो के पास, लेकिन ये बेंटन के क्रिएटर्स के द्वारा एक मिस्टेक थी। उन्होंने शायद इस चीज पे ध्यान नहीं दिया था कि यहाँ पे गलती से एल्विडो के हैंड में ओमनीट्रिक्स है। अगर उन्होंने ध्यान दिया होता तो गाइज वो इस चीज को ठीक कर लेते, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने इस चीज पे ध्यान नहीं दिया और यहाँ पे बेंटन के इस एपिसोड में हमें एल्विडो के पास ओमनीट्रिक्स देखने को मिली थी। बाकी गाइज इसका कोई भी रीजन नहीं है, क्योंकि हमें ये देखने को मिला था कि जब एल्विडो ने इस रेड ओमनीट्रिक्स का यूज किया था उसके बाद विलगेक्स ने उसको बंदी बना लिया था, और उसके बाद बेन ने उसकी अल्टीमेट्रिक्स को जब छीना तो वहाँ पे हमें अल्टीमेट्रिक्स ही देखने को मिली थी, ना कि रेड ओमनीट्रिक्स। तो ये सिर्फ एक ग्लिच था और क्रिएटर्स की एक मिस्टेक थी, इसको ज्यादा सीरियस मत लेना कि इसके पीछे क्या बड़ा रीजन हो सकता है। इसके पीछे कोई भी बड़ा रीजन नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक थी। तो उम्मीद करते हैं अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आखिर क्यों एल्विडो के पास उस टाइम पे ओमनीट्रिक्स थी। तो आज की हमारी ये वाली वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। और अगर आप लोग वीडियो से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में से क्लियर कर दूंगा। तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग ये वाली वीडियोस देख सकते हो, और प्लीज हमारे इस लाइक एम को कंप्लीट करा देना।